नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जब से शुरू हुआ था तब से इसके सफल होने को लेकर कई तरह के बयान सामने आए थे। कई दिग्गजों ने तो यहां तक कहा था कि ये काफी पेचीदा है। तमाम मसलों के बावजूद आईसीसी ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को मंजूरी दे दी थी, लेकिन कोरोना ने सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया। अब तो खबरें यहां तक आ रही हैं कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप आखिरी हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए अध्यक्ष ग्रेग ब्रैकले ने सोमवार को स्वीकार किया कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप ने वो हासिल नहीं किया है जो इसका उद्देश्य था। कोरोना के कारण इसकी खामियां सामने आ गई हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के मैचों पर कोरोना वायरस के कारण असर पड़ा है और ऐसे में आईसीसी ने नियमों में बदलाव किया है, क्योंकि लॉर्ड्स में अगले साल होने वाले फाइनल से पहले अभी सीरीज पूरी नहीं हो पाएगी। इसी महीने आईसीसी के चेयरमैन का कार्यभार संभालने वाले बॉकले ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कोरोना ने शायद चैंपियनशिप की अपनी कमियों को उजागर कर दिया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को टेस्ट क्रिकेट में रुचि वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। कुछ टेस्ट मैचों में इसे प्रासंगिकता प्रदान की, लेकिन ज्यादा सफलता नहीं मिली। बर्कले ने यह भी संकेत दिया है कि उद्घाटन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अंतिम भी हो सकता है, क्योंकि छोटे देश इसे अपना नहीं सकते। बर्कले का मानना है कि छोटे देश ही नहीं बल्कि कई बड़े देश भी इससे सहमत नहीं होंगे और ना ही क्रिकेटर इतनी क्रिकेट खेल पाएंगे, क्योंकि मौजूदा क्रिकेट कैलेंडर में लगातार एक के बाद एक सीरीज है। क्रिकेटरों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना होगा। आपको बता दें, फिलहाल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में नंबर एक पर ऑस्ट्रेलिया चल रहा है, वहीं इंडिया दूसरे नंबर पर है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।